मौजूद है एमजीएन समाचार के तरफ से बापू नगर के अंदर, और आज बापू नगर के अंदर की जनता आज हमारे साथ है। यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ की जनता की वार्ड की समस्या क्या है। नाले की गंदगी, ये गंदगी सबसे पहले पानी 8 दिन को आता, यानी महिला का पानी इधर निकाले, पूरा महिला का पानी हमारे छोटे छोटे बच्चे को दस दस के पानी के वजह से कचरा नहीं उठाते, ये कचरा नहीं उठाते, नहीं उठाते, सफाई नहीं उठाते, पर ऐसे पूरा नहीं उठाते, आधा लेके जाते ना आधा वहाँ चिर पड़न देते। पानी कितने दिन में मिलता आपको? 8 दिन में, 7वें 8वें 8 दिन में 8 दिन। हाँ 8 दिन में। हाँ, आपकी मांग क्या है म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से और महानगर पालिका? ये कचरा ना देखा, ये गंदगी ये भी नहीं उठाते, वो गटर 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 निकालते नहीं, गटर भी नहीं निकालते। ठीक, आमच्या इकडे तो नाला काढले येतच नाही, ते 4-4 5-5 महिने आम्ही फोन करून बोलू तो उद्या माणसं पाठवतो म्हणून सांगतेत ते। आणि हे बहादूरपुऱ्याचं आमच्या 5-6 घराचं पाणी इथपर्यंत येते, आमचे लहान लहान लेकरं इथं, हां पुऱ्या ते स्वतः त्या लोकांनी त्यांचं पाणी आमच्याकडे काढून दिलेलं आहे। आमच्या लेकरं इथं खेळतेत, लेकरं खेळतेत, आमचे लेकरं बिमार पडू लागले, 6व्या दिवशी पाणी होतं, ते 7व्या दिवशी केलं, ते बी आम्हाला 2-2.5 तास पाणी खराब येतं, मग आमच्याकडे कोणी येतच नाही। और पाणी के अलावा ह्या रोड भी नाही बनाय, नाही रोड नाही, लाईट नाही, काहीच नाही, आम्हाला इथं काहीच नाही, रोड गीड काहीच नाही, हे रोड एवढा येते, इथं कचरा आहे, कचरा सुद्धा उचलत नाही, कचऱ्यावाल्याला आम्हाला फोन करून बोलावं लागतंय। ये हमेशाकेच आम्हाला त्राण तास यायचावाला, आणि पुन्हा हेच इकडं जे पाणी येतं ते सगळं इकडं येतं, ते पाणी सगळं इकडं येतं, आणि गल्ल्यामध्ये जेवढ्या पण नाले आहेत कधीच कोणीच काढायला येत नाही, ते आम्ही स्वतः पैसे देऊन खाली करून घ्यायला लागतात आम्हाला, अक्षरशः आळ्या वरती येत आहेत, त्या घरामध्ये येत आहेत, त्या आळ्या लेकरं बिमार पडायला येत आमचे, कचरा भी साफ नाही करते, कचरा नेतात ते रोज, पण अर्धा नेतात आणि अर्धा तिथंच राहतो, पूर्ण साफ करतच नाही ते असं सगळं। हे नाल्याचं पाणी आमच्या घरामध्ये येतं, सारे घर आमचे खाली गेले, रोड उंच झाल्यामुळे आमच्या घरामध्ये पाणी शिरतं, नाल्या सगळे भरलेले असतात, नाल्या भरल्यामुळे सारे जंतू आमच्या घरामध्ये चालतात, आम्ही खूप परेशान आहे, सगळं पाणी बिणी पण पियाचं पाणी बरोबर येत नाही, पुन्हा 7-7 दिवस आम्हाला आंघोळीला कशाला पाणी मिळत नाही, सारे घाण पाणी येतं, आम्ही खूप परेशान आहे। अंदर आज से 40 से 45 साल से संडास बाथरूम साफ नहीं, कुछ नहीं, जाने को संडास को जगह नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी गंदगी गंदगी है, पूरी गंदगी जी गंदगी, ना नगर सेवक को बोला भी है तब आते नहीं, कुछ करते नहीं, नगर भागवे। हाँ, यहाँ पे कचरा भी जो पड़ा हुआ है, ये कचरा भी नहीं उठाते महानगर पालिका, कोई भी नहीं आता यार, उठाते भी नहीं कचरा टाइम पे, सरकारी संडास भी बंद है, सरकारी संडास कई दिन से कम से 40 से 50 साल से बंद है, आके संडास पूरे घान गंदगी पड़े वाली, कोई जाता भी नहीं, कोई मेहमान आया तो अंदर भी नहीं जा सकता, कार्यक्रम रहे तो या तो हमारे घरों में लेके जाना पड़ता, महानगर पालिका के कोई अधिकारी आते नहीं है, यहाँ देखे भी नहीं अधिकारी, ने कुछ भी आते भी नहीं, देखते भी नहीं। ये हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम बहुत सारी है कि अभी बहुत सारी नाली भरी हुई, देखो यहीं से अंदर है जो अभी तक साफ़ नहीं होती, कॉरपोरेशन भी कभी आके देखता नहीं, और फिलहाल तो अभी कोई नगर सेवक है नहीं यहाँ पर, इसके कारण बहुत सारे मच्छर होते हैं जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके सामने संडास है, देखो यहाँ इतना कचरा पड़ा है, और ये कई सालों से ये संडास बंद पड़ा है, जिसको कॉरपोरेशन देखता नहीं कि यहाँ किसी को सुविधा चाहिए, गवर्नमेंट ने सबको बताया है कि घर घर संडास होना चाहिए, लेकिन यहाँ संडास होने के बावजूद भी इसको कोई रिपेयर के लिए भी कॉरपोरेशन वाला इसके तरफ नज़र नहीं मारता, इतनी गंदगी है। और यहाँ बहुत सारी बातें कि अभी अगर आप चूना भट्टी रोड पर जाते हो तो यहाँ पर अवैध टावर की एक निर्माण हो रहा है, जिसके लिए कॉरपोरेशन परमिशन दे दिया, किसी नागरिक से पूछा नहीं क्या मोबाइल टावर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चूना भट्टी पे बिना परवानगी के वहाँ पे टावर लगा है।